Hey song, welcome back to the 10 star. तो क्या हाल है, आ गए फिर से बढ़िया बढ़िया एक नंबर मीम्स कह सकते हो या फिर फनी इंस्टाग्राम रील्स कह सकते हो, बट R2H का फीवर चल रहा है तो हमने सोचा R2H के ही इंस्टाग्राम की जो फनी वीडियो है वो उठाई जाए. एंड इसमें ये वीडियो है मीम मोटिवेशन की, तो हमें कुछ मीम्स देखने को मिलेंगे तो मज़ा आने वाला है. तो अगर आपने पुरानी जो हमने अभी दोपहर को निकाली है, सुबह वीडियो निकाली एज ऑफ वाटर वाली, वो वीडियो चेकआउट नहीं करो तो जाके चेकआउट करो एंड मज़ा आ जाएगा. Yes. So let's begin and देखते हैं ये वीडियो कैसी है. मेरे फेसबुक साथियों, मेरे साथ लाइव रहना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ. ये रहा मदरचोद बिक्की. गाइस, इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया. मेरी बीवी से होने वाली मीटिंग थी 7 दिन बाद. मेरे हाथ कांप रहे हैं गाइस. मैंने इससे कहा मुझे इंग्लिश सिखवा दे 7 दिन में. इसने कहा 1,500 रुपए दे, मैं तुझे 7 मिनट में सिखा दूंगा. मैंने तुझे 1,500 रुपए दिए? ये कोई बोतल लेकर आया गाइस. कौन सी थी वो? किंग फिशर इंस्टीट्यूट ब्रिटिश इंग्लिश. बहुत बड़ी ऐसी कोई बोतल नहीं होती गाइस. मैंने वो पी, मैं इंग्लिश भी बोलने लगा पर पता नहीं कौन सी बोल रहा था, अमेरिकन थी या ब्रिटिश थी. इनने मुझे एक डायलॉग बताया था, कौन सा था वो? माँ के दूध का कर्ज कैसे चुकाऊं? ये मैंने उसके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. हाउ कैन आई क्रेडिट योर बुफ्स कर्ज. भाई तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने आईफोन 6 लिया था. सब लोग मुझसे पार्टी मांग रहे थे, सब लोग, मैंने सबको पार्टी दी. फिर तूने मुझसे पार्टी के लिए कहा. मैं मना नहीं कर सकता था तुझे, पर मुझ पे पैसे नहीं बचे थे उस टाइम. बहुत दर्द हुआ. फिर मैंने अपना, भाई ये तो बिल्कुल वही स्टोरी है ना जिसमें अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए उसका दोस्त फोन भेज देता. तूने अपना फोन भेज दिया था मुझे पार्टी देने के लिए. अबे भेसड़ी के, तेरा फोन भेज दिया था मैंने. 68 का बिका था जिसमें से मैं 64 निकाल के प्रो ले आया था और 4 की तुझे पार्टी दे दी. भेसड़ी के, इसका मतलब तूने चुराया था मेरा फोन. इधर भेसड़ी के, और मांग पार्टी. तू मांगेगा पार्टी? अबे तो बहन जो हमारी फोन भेज के तू हमें पार्टी देगा? गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है. गाइस, मैं आया हूँ अफ्रीका घूमने और यहाँ पर मुझे इंडिया से पता चल गया था कि लोगों की 3 टांगे होती हैं. तो कुछ गरीब हैं, उन लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, उनकी टांगों पे तेल रगड़ रहा हूँ, मालिश कर रहा हूँ. बीच की टांग थोड़ी कमजोर होती है, गोल गोल है, पता नहीं आकार क्यों बदला हुआ है. भैया भैया, यहाँ लोगों के जूते 2 क्यों है टांग 3 होने के बाद भी? वो जैसलमेर या जो है. और यहाँ हमारी गली में वो डोरेमोन रहता है, नीले रंग का, देखा ही होगा भाई. वो बहुत बड़ा मादरचोद इंसान है, मैं आपको बता नहीं सकता. उसके पेट में कोई चीज नहीं है, वो गांडू खुद झांट भाई झांट का है. और रखे फिर आप पता ना 100 फीट लंबी चीज है भाई. वो आपके बच्चों का बना रहे हैं चूतिया, पढ़ाई की वो गाड़ मार रहे हैं आपके बच्चे की, हमसे तो देखी जानी रही. और ये थोड़ी बहुत लोनी है जो सिंचैन लव बनी फिर रही है कि सिंचैन बहुत क्यूट है. इतना मादरचोद बालक है वो, बहन का लोड़ा, पूरा जेब कतरा है वो. यहीं अगली गली में रहता सदाब बिरयानी वालों के पास. भाई मत दिखाओ ये अपने बच्चों को, तौबा कर लो. इनके लिए एक शायरी हो जाए. अरे ऊंची बिल्डिंग के पीछे था हमारा एक छोटा सा झोपड़ा. अरे ऊंची बिल्डिंग हमारा एक छोटा सा झोपड़ा. अरे मेरे दोस्त की छोटी सी बिल्ली और इसकी नाका भोसड़ा. अरे
हो जाए फिर। इधर ट्रेन, इधर ट्रेन, बीच में रखी पिपिया। वाह 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 वाह, गांड तू ने इतना दी मांग लिया उससे रुपया। ये बढ़िया। अबे तुझे पता है, तुझे पता है कहां-कहां से पैसा लाता हूँ मैं गाल भरवा के पूरा दिन तेरा पेट पालने के लिए बस। तो काम बदल लो ना अपना पापा। I got broads in Atlanta, she's a dolly in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the bank, legacies. DM sir, आप इतने बड़े DM कैसे बने बताइए हमें। भाई आपने राजकुमार राव की मूवी देखी होगी जिसमें वो अपनी सेटिंग से बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए DM बनते हैं। जी सर देखिए। वैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड से इंतकाम लेने के लिए DM बना। तो सर आपको इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसा लगता है? अब तो मैं DM के यहाँ खुद चपरासी हूँ। हैं? सर क्यों? हमें सस्पेंड कर दिया। अरे सर क्यों करा? वही हुआ ऐसा कि मैं इंतकाम लेने के लिए अपने DM ऑफिस में बैठा था बड़ी टेबल पे, मेरी सेटिंग आई फाइल लेके, मैंने उसकी फाइल ली फाड़ी मरोड़ी और डस्टबिन में फेंक के मारी, वही हम सस्पेंड। अरे सर आप तो DM हो, आपको कौन सस्पेंड कर सकता है? बहन की लड़ी, चीफ मिनिस्टर की सेटिंग निकली वो मेरी सेटिंग, इतना बुरा मारा, पहले तो ऑफिस में मारे दो चक्कू गाड़ पे, फिर भाग तो हुआ ऑफिस से 3 किलोमीटर भागा हूँ भाई सब, दो गाड़ पे मारे अलग से। ये जो मैं बैठा हूँ ना, ये मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है या स्टाइल, ये मेरी मजबूरी। क्या सर भाई बताया मैं 4 चक्कू, ये लाइव है। यस सर, इसे कट कर दो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, आज क्या पढ़ाओगे? आज पढ़ाऊंगा मैं साइलेंट वर्ड्स। सर वो तो मुझे आते हैं, जैसे नाइफ में के, सर आते हैं मुझे वो? वे भैंसड़ी के birds. जो मैं पढ़ाऊंगा तेरे बाप को भी नहीं आता होगा। अच्छा, और एग्जाम में ये 4 नंबर का आए ना आए, लेकिन तेरी माँ की चुट 4 बार जिंदगी में जरूर आएगा। तो सर आप मुझे गाली क्यों बक रहे हो? सुन ले, बहुत काम की है गाली, बात मेरी कान फट जाएगी तेरी। ठीक है पढ़ाओ सर। देखो तुमने नाइफ में बताया कि के साइलेंट है, ऐसा ही न्यू में बताओ क्या साइलेंट है? सर के। वेरी गुड, ये थे इजी साइलेंट वर्ड्स। अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें अपर लेवल का। बाबू मैं अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती, घर वाले पास में हैं। इसमें बताओ क्या साइलेंट है? अरे सर ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, कोई सेंटेंस ही नहीं है, इसमें क्या साइलेंट होगा? देख बे, अगर पता है तो बता दे, नहीं पता तो ज्यादा प्रीमियम एकदम पट्टी भी मत बन। ये कौन है? विलियम शेक्सपियर को जानता तू? हाँ वही है हिंदी में। इसमें जो साइलेंट वर्ड है वो है मेकअप। मेकअप नहीं किया है बेटी चौन ने, दूसरा ले लो। सही बात है। आई कांट लिव विदाउट यू में कौन सा साइलेंट वर्ड है? अरे सर इसमें कैसे साइलेंट हो जाएगा? वे बेटे, आई कांट लिव विदाउट यू में। ओके मतलब भाई YouTube नहीं सिर्फ YouTube नहीं, Instagram पे भी आग लगा रखी है। मजेदार क्लिप्स हैं, ऐसी और वीडियोस हैं जो मैंने यू नो ढूंढ के रखी थी, बट उसमें से हमने एक करी है। तो इफ यू विल से तो हम ये और ऐसी Instagram की फनी क्लिप्स की जो यू कैन से कंपाइलेशन ला सकते हैं। एंड Instagram पे सिर्फ R2 एशन नहीं,
टेन स्टार रहेगा, उन्होंने भी आग लगा रखी है, आप जाके चेकआउट करो, नई नई रील्स आती रहती है एंड और भी आती रहेंगी, बाकी जो इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट एंड पसंद आए तो लाइक कर दो एंड यू कैन फॉलो सम. अच्छा हो गया, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्रेट दिस, टेक केयर, बाय बाय.